सोनोटेक कैसेट। सज्जन प्रेमियों, किसी समय का जिक्र है कि जूनागढ़ में मंगूमल नाम के सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नरसी था। नरसी बड़ा धनवान सेठ था। 11 ध्वजा लहराती थी, अर्थात धन की 11 पेटी भरी थी। प्रत्येक में 10 शंख रुपए थे। लेकिन नरसी बड़ा ही कंजूस था। नेक दिल तो था, ईमानदार भी था, सच्चा और मिलनसार भी था। प्रेमियों, भगवान भले आदमियों की परीक्षा भी लिया करते हैं और सतमार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कष्ट भी देते हैं और मोक्ष प्रदान करके अमर भी कर देते हैं। नरसी भगत को भी भगवान अमरता प्रदान करते हैं। हुआ यूं कि नरसी एक दिन हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंच गए और घाट पर बहुत से पंडे पंडित इधर उधर घूम रहे थे, दान मांग रहे थे। अतः नरसी दान देने से कतरा रहे थे। डरकर वे कुछ दूरी पर एकांत में स्नान कर रहे थे। भगवान कृष्ण एक पंडित का वेश धारण करके नरसी से दान मांगते हैं। नरसी बार बार मना करता है, कहता है कि भैया मेरे पास नहीं है पैसे, नहीं है, नहीं तो मैं मना थोड़े करता। तो पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं सेठ जी, आप दान की राशि मेरी पोथी में लिखवा दो और मैं आपके घर से जा करके ले आऊंगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो कहने लगे पंडित जी कि लिखवाइए, आप कितना दान देंगे। नरसी सेठ कह देते हैं कि ठीक है, आप 4 आने लिख लो। नरसी सेठ ये सोच रहे थे कि 8 आने तो कम से कम इसके किराए में ही लग जाएंगे, इसलिए ये मेरे घर आएगा ही नहीं। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये पंडित भिखारी ऐसा वैसा नहीं। तो अगले दिन नरसी तो चले आए और तीसरे दिन वो ही पंडित जी नरसी जी के गेट पर जाकर के अलख जगा देते हैं, अपना दान मांगते हैं और क्या कहते हैं। हाँ, अलख अलख गुरु का दे दियो खड़ा दुर्वेश, मिट जांगे सब कष्ट कलेश, जो करे दया कदा के।
गौशाला चाहे हो धर्मशाला, मंदिर प्यारू और गौशाला, पाठशाला चाहे हो धर्मशाला, दान करे कोई दिल वाला वो सच्चा इंसान, अलग अलग गुरु का आदे शिक्षा दियो खड़ा दूर दे, मिट जाएंगे सब कष्ट बिगारी, क्यों शोर मचा रहे हो? भैया, मैं गंगा जी से आया हूँ। सेठ जी मुझे गंगा जी पर मिले थे। उन्होंने कहा था कि जूनागढ़ घर पर आकर के मेरे से चार आने दान ले लेना। सेठ जी से कहो कि गंगा जी वाले पंडित जी आए हैं और अपना चार आने दान मांग रहे हैं। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं पता करता हूँ। सेठ जी, गंगा जी वाले पंडित आए हैं, अपना चार आने दान मांग रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, अरे यहाँ तक आ पहुंचा। और तेरी सेठानी, ए सेठानी, क्या दो सेठ जी? सेठानी सेठानी उड़े कुआ, ये जो बाहर निठल्ला खड़ा ना, इसे टला दे, इसे जाकर न्यू कह दे सेठ जी तो बीमार है, फिर किसी दिन आइए। अच्छा ठीक है। पंडित जी, आज तो सेठ जी की तबीयत खराब है। अच्छा, ऐसा करिए फिर कर आ जाइए। और सेठ सख्त बीमार पड़े हैं, और आगे कदम बढ़ा दो, दान पुण्य से सब दुख मिटते, नरसी को समझा दो। समझा दो बात मुनी
से खानी। सुन बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। जानू सोरण कर देगी काया, उल्टी बार बार करता है ऐसा रोग है छाया। वो दिन और प्याज का रस दे इतना क्यों घबराया, वो दिन और प्याज का रस दे वो इतना क्यों घबराया। का काढ़ा उसे पिला दो। सेठ सख्त बीमार पड़े हैं, आगे कदम बढ़ा दो। दान पुण्य से सब दुख मिटते, न्यू नरसी को समझा दो। सुन बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। सुन बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। कट जा व्याधा सारी, काय सुन का दर्द उठे हुई जी पे आफत भारी। सिर फड़ा हेड बहेड़ा आवड़ा दे दे तू उसकी नारी। सिर फड़ा हेड बहेड़ा आवड़ा दे दे न उसकी नारी। तेज बुखार हुआ लाला के मत ना गलत सलाह दो। पानी की पट्टी तेज जुअर में माथे पे रखवा दो। सुनी बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। सुनी बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। जो एक मैं अभी वो उठ के भागे, बार बार लंगी करता मधु में रोग मन लागे। नीम के पत्ते सदा बहार ले चबा रोग हो आगे। नीम के पत्ते सदा बहार ले चबा रोग हो आगे। अनार का रस हरा सागर पात खिला दो। सुन बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। सुन बात मुनि ज्ञानी, धरो ध्यान से ठानी। कह जाऊं मुझे कौन सी जल्दी। तू चुवल मारे पाचे पड़ गया ओ साधु बेदर्दी। धनवाला कंजूस बने तो होना राज कुदरती। धनवाला कंजूस बने तो होना राज कुदरती। राम रतन प्रभु ज्ञानी धर्म से, राम रतन प्रभु ज्ञानी धर्म से।
चढ़ा दो। सब दुख मिट तेनु नरसी को समझा दो। सुन बात मुनि ज्ञानी करो ध्यान से ठानी। सुन बात मुनि ज्ञानी करो ध्यान से ठानी। सेठानी जी, सेठ जी तो बड़े नेक इंसान थे, बड़े महान व्यक्ति थे, आज संसार से चले गए बेचारे। अब हम इस मौके पर आ ही गए हैं तो मैं अब यहीं बैठ जाता हूं और मैं भी उनको अंतिम विदाई दे के ही जाऊंगा। दो लकड़ी हम भी डाल देंगे उनकी चिता में। अजी मका सुनते हो? अरे के हुया के हुया? मका यू पंडित भी पूरा जालिमी है। अच्छा? दरवाजे के बाहर बैठा और न्यू कह रहा के सेठ जी की अंतिम विदाई करके जाऊंगा। अरे मका, देने मुझे भी नहीं, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सेठानी एक काम कर, इसकी ढाल के तो रोज पता नहीं कितने आम है, और मैं इस जैसे को रोज न्यूई भगा दिए करूं, ऐसे पे लुटन लग गया तुम्हारा तो चल लिया भाई व्यापार। अरे रमलू श्यामू पालू, अरे सारे आओ जल्दी। अरे हाँ सेठ जी, क्या बात हुई? बात कुछ नहीं, तुम फटाफट मेरी अर्थी बना दो और मुझे शमशान में ले चलो। ठीक है सेठ जी। सेठ जी ठीक है। ठीक है सेठ जी, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। अरे ओ रमलू, ओ रमलू। हाँ सेठ जी। वो ढोंगी पंडित घर के बाहर ही बैठा है क्या अभी? वो तो पीछे पीछे आ रहा सेठ जी। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। ओ पालू, ओ पालू। हाँ सेठ जी। अरे अब कहाँ है? अरे सेठ जी पीछे आ रहा, हाथ में दो लकड़ी ले रहा। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। ओशम ओशम, अरे इब कहां वो डाकू? सेठ जी लेटे रहो, लकड़ी घेर के उल्टा जान लग रहा। अरे तो रुक जाओ रुक जाओ, और मुझे कुदन दो इस अर्थी बताए। मुनीम जी, मुनीम जी। जी सेठ जी। तमाम कर्मचारियों को कह देना, शहर में मेरी शक्ल का एक व्यक्ति आया हुआ है जो अपने आप को नरसी बताता है, अगर यहाँ आ जाए तो उसे अंदर मत घुसने देना, मार के बाहर निकाल देना उसको। ठीक है सेठ जी। हे, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं, दो टके के नौकर मुझे नहीं जानते? मैं नरसी सेठ हूँ। मैं सब जानता हूँ, आप भैरूपिया है, हमारे सेठ जी तो अंदर बैठे है। कहाँ बैठे हैं? देखो वो बैठे हैं सामने। हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका? जाल फलावण याला आंख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला। कौन बैठा गद्दी पे तू छलका? जाल फलावण याला आंख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। आंख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला। असली नरसी मैं ही तो हूँ, असली नरसी मैं ही तो हूँ, या गद्दी है मेरी। नरसी सेठ मुझे सब जाने, मत कर हेरा फेरी। दिखे खोटी नियत तेरी, दिखे खोटी नियत तेरी, भी
भीतर ले मैं काला दरवाजे ते बाहर निकलना तो हो जागा कुछ चाला हुन बैठा गद्दी पे तू छलका जाल रचावन वाला आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला मार कुंडली धन पे बैठा मार कुंडली तू धन पे बैठा नाग बिना तू फनका ये नौकर चाकर मेरे फिर ये सब धोखा तेरे मन का हाँ तू तो भूखा दिखे धन का तू तो भूखा दिखे धन का पूरा मकड़ी कैसा जाला बिन मतलब क्यों मेरे संग में बांध बैठ क्या पाला हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका जाल रचावन वाला हाँ खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला और सेठानी ते पूछ ले किसके सेठानी ते पूछ ले किसके या आधे अंकी साझी मोड़ बांध के ब्याह के लाया मैं ही लगू पिया जी और मेरा सुबह नरम मिजाजी मेरा सुबह नरम मिजाजी लड़े मुठट की ढाला ओ बह रुपया जो कुछ लेना ले जल्दी जा चाला हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका जाल फलावन आला हाँ खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला हाँ खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला तुम कोई भैरूपिया हो मेरी हमशक्ल का फायदा उठाना चाहते हो मेरी दौलत हड़पना चाहते हो आप मेरी शकल का फायदा खुद उठाना चाहते हो नकली नरसी मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं नकली तुम हो नकली सेठानी जी आप बताओ हमारे सेठ जी कौन से हैं ये हैं तुम्हारे सेठ जी और मेरे पति क्या मैं पहचानती नहीं हूँ अरे एक बात और बताता हूँ तुझे नकली नरसी चल तू यही बता दे कि कितना लेन देन है मेरा ये तो मुनीम बताओगा और कितना जमा है ये सब मुनीम के खाते से पता लगेगा मुझे क्या पता तो इसका मतलब तुम नरसी नहीं हो इसीलिए तो नहीं बता सकते तुम मैं बताता हूँ मेरा 5 लाख लेन देन है 5 लाख और 2 लाख का माल सूरतगढ़ में जाना है 7 लाख का माल प्रतापगढ़ से आना है 1.25 करोड़ रुपए पूंजी जमा है देखो मुनीम जी क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ हाँ सेठ जी ऐसा ही है मारो इसको पकड़ो ये कोई धोखेबाज है मारो इसके मारो चले भगाओ इसे हाँ भाई नरसी के हाल है तेरा हे ब्राह्मण देव हाल तो बेहाल ही है और तेरी धन दौलत का क्या हुआ इसका क्या बताऊं मैं तुझे ब्राह्मण देव अब एक बात बता तो तू मुझे अब तू इस धन दौलत मोह माया और अपने तख्त ताज को छोड़ करके जा कहां रहा है जहां भी अब मुझे राम ले जाएगा वहीं जाऊंगा अच्छा तो मेरे चाराने तो दे दे भैया अब ब्राह्मण देव भाई मैं कहां से दूं मेरे पास ही कुछ नहीं अब तो अगर तेरे पास में हो तो तू दे भी सकता है अगर मुझे एक बार दोबारा मिल जाए तो फिर मेरा करिश्मा देखना मगर मुझे तुम
एक बात बताओ ब्राह्मण देव। क्या? तुम ब्राह्मण नहीं हो और? तुम कोई देव शक्ति हो। ये मुझे माया बताओ, ये क्या माया है? नरसी, जिस बात पर मैं तुम्हें लाना चाहता था और जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था, अब तुम वो पाठ पढ़ चुके हो। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या शक्ति हूं। तो ले, देख मेरा रूप। और जा अपनी गद्दी पर बैठ करके और अपना व्यापार चलाओ। भक्तजनों, भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप देखकर नरसी के ज्ञान के पट खुल गए। जगत की मोह माया से ऊपर उठ गया। संसार उसे भ्रम जाल दिखाई देने लगा। ये धन पैसा मान बढ़ाई सुख आनंद नाते रिश्ते सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। सोचता है कि परमात्मा का अंश आत्मा है और सब देहधारी शुद्ध आत्मा ही तो हैं। आत्मा का संबंध देह से हो जाता है। इस देह में 10 इंद्रियां हैं और मन तथा चित्त हैं। ये इंद्रियां मन के वश में हैं और मन बुद्धि के वश में। बुद्धि पर इंद्रियों और विषयों का कब्जा हो जाता है और बुद्धि के माध्यम से जीव को नाच नचाती रहती हैं। बुद्धि आत्मा से विमुख हो जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इस सृष्टि की माया के चक्कर में पड़ जाता है। जीव आत्मा की मंजिल तो बहुत लंबी है और मनुष्य जीवन उस मंजिल का एक पड़ाव मात्र है। अतः जीव को अपनी मोक्ष की मंजिल पर चलते चलते इस जीवन रूपी पड़ाव में ठहर कर संसार की वास्तविकता समझनी चाहिए। और नरसी इस वास्तविकता को अब समझता है। हे विष्णु अवतार, हे भगवान कृष्ण, हे सांवलशाह गिरधारी, हे पूर्ण ब्रह्म और मोक्ष प्रदाता, मुझे रात दिन अब आपके चरणों का ही ध्यान रहेगा और अब मैं मोह माया से दूर हो जाऊंगा। प्रेमी दोस्तों, नरसी ने जाते ही घर ये घोषणा कराई कि जिस पर नरसी का पैसा है वे अपनी कलम से अपनी बही में से उस पैसे को काट दें। मैंने वो सब चुकता पाया और मेरे पर अगर किसी का उधार है तो आकर के ले जाए और कल मैं अपना सारा धन जनता में बांट दूंगा, जिसकी इच्छा हो ले जाए। प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार नरसी ने अगले दिन अपना सारा धन दोनों हाथों से प्रजा में बांट दिया। साधु वाणा धारण कर लिया और घर छोड़कर चल दिया। नरसी जी की पत्नी व्यथित दुखी हो जाती है। क्या कहती है? ए, ए बहना, ए कोई मेरी मदद कर दियो। ए मैं तो लूट गई। चाची, ए चाची, मैं तो बसी बसाई उजड़ गई चाची। ए कोई मेरे पति को समझा दियो। हे ताई, हे ताई, तू ही कोई रास्ता बता दे। मैं बिना पति के कैसे जीऊं? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं जिसके सहारे मैं समय काट लूं। पति तो साधु हो गया, मेरा जीवन क्यों कर कटेगा, कैसे कटेगा? मेरे बिन साजन घर में ठीक
कोई जने माँ मेरे जाया, मेरे जाया बेबे मेरे जाया, बिना रूख ना होती छाया, होती छाया बेबे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिये? अपने भगत नरसी की इतनी कठिन परीक्षा ना लो। नहीं रुकमन, नहीं, परीक्षा तो मुझे लेनी होगी। नहीं स्वामी, मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए, सोना तप करके ही कुंदन होता है और मैं नरसी को कोई अमरता प्रदान करना चाहता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी मेरे भगत नरसी का नाम रहेगा, मैं ये चाहता हूँ रुकमन। अजी सुनते हो? हाँ हाँ, के बात है सिटानी, क्यों लाल पीली हो रही? तुम्हें कुछ ध्यान नहीं, तुम समाज में इज्जत उतरवा के बैठोगे,
बिन भाती ब्याह की भी कोई शोभा हो है। रे भगवान, भाती भी आ जाएंगे, गरमावे मत। कहां ते आ जावेंगे? कोई चिट्ठी पत्री भेजी तुमने जूनागढ़? रे सिटानी, अब लिख दूंगा। बहु वर्णंदी तो भात नोत न जावेगी, वह जो भात में लेना होगा वह मौखिक बता देगी। वड़ा बतावे कुछ भी, वह तो मुंह फुट्टी है, वड़ा मांगे कुछ भी, लिख के दो जो भात में आना चाहिए। हाँ के लिख दूं चीज भात में, तू कह दे मन चाही, के लिख दूं चीज से ठाणी, कह दे मन चाही, ऐसा भर दो भात माच जा जग में आवाई, ऐसा भर दो भात माच जा जग में आवाई। सर्वोपम लिखूं और जूनागढ़ लिख दिया गाम, सातो भाई समझी थारे सबको लिखो राम राम, भात ले सवेरे आयो लिखूं नरसी जी का नाम, और कोई खर्च नहीं तेरे, हाँ और कोई खर्च नहीं तेरे, या इकलौती जाई, ऐसा लिखो भात माच जा जग में आवाई, ऐसा लिख दो भात माच जा जग में आवाई। हाँ फागण मासुर शुक्ल पक्ष की चौथ लिखा दिन सोमवार, रामो भाई की शादी है जिस पे सपुन में का प्यार, भात पहल का है तेरे नरसी कर देना कदे इज्जत ख्वार, भात ले सिर सागर आने, भात ले के सिर सागर आने चाहिए सातो भाई, ऐसा भर दो भात माच जा जग में आवाई, के लिख दूं चीज भात में कह दे मन चाही, के कुंजे तियल चाहिए कई हजार, पिस्ते ताक बदाम छुआरे लाडली बनो लखार, जरी किनारी वस्त्र चाहिए उन्नीस शाल बेसुमार, कई हजार दुशाले चाहिए हर से ठगा है व्यापार, कई हजार दुशाले चाहिए हर से ठगा है व्यापार। सेठ नो थारी जितने आवे, सेठ नो थारी जितने आवे, करनी पड़े मिलाई, ऐसा भर दो भात माच जा जग में आवाई, के लिख दूं चीज भात में तू कह दे मन चाही, ऐसा लिख दो भात माच जा जग में आवाई,
मोहरे सर फिरे पन्ने, मोहरे सर फिरे पन्ने, झोले भर भर लइए। मारे लागा बंदी सबकी खातर बिस्तर लिए। हर नंदी की दस बोली हीरे के दो पत्थर लिए। हर नंदी की दस बोली हीरे के दो पत्थर लिए। राम रतन कह ले चिट्ठी को, राम रतन कह ले चिट्ठी को, हंसन लगा क्यों नाई। के लिख दूं चीज से ठानी कह दे मन चाही। ए सालिम तो भात माच जा जग में अवाई। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अवाई। अरे भाभी चली जाना अपने पीहर, नौत आना अपनी बेटी का भात, पास पड़ोसन जेठ जेठानी ने ले जा और उनका उल्हाना तारिया। 10 दिन ब्याह के रह गए, माँ ने कह दी खुशामत कर ली है, आखिर कब जावेगी। हरे नंदी भात न्योतिया तेरे 10 दिन।
खरस देख के सब मुंह फेर लिया करें। जो आज कोई मेरे मां जाया भाई होता तो मुझे ये दिन देखने क्यों पड़ते। हे ईश्वर, अगर तू किसी के बेटी दे तो दो चीज जरूर दिए। एक तो उसके बाप के धन दिए और बहन ने भाई जरूर दिए। बिना भाई के बहन भी कुछ ना होती। कदे रीता भरा आके तो खड़ा हो जाए। ना नंदी ना मेरा पहना उड़ता। ए इस शिनाल का पापियर में जानने ना उठे या तो इस घर में ही समाधि बना के बैठेगी। अरे माँ सोली सोली तो बोल, मेरे बाप के दिन बिगड़ गए ना तो तू क्या बोलती मेरे आगे। तेरे बाप ने ब्याह में ही के दे दिया था, कौन सी झपकती लेकर आई थी तू। अरे के ना दिया था मेरे बाप ने, मेरे बाप ने तो इतना दिया था कि 3 दिन तक थारे घर के बाहर पड़ा रहा था, थारे घर में समाया भी ना था। ये तू कौन से जन्म की गाँव है, अब देखेंगे वो कह देवेंगे भात में। देखा था पड़ोसन का भात, 1 किलो सोना आया था भात में। अरे भाभी चली जाना, बिना भाती सोबा न होती ब्याह की। ए क्यों नखरे कर रही, चली जाना, तेरी साथ ठीक तो कह रही। ए ज्यादा ना तो थोड़ा दे देंगे, कोई आवे तो सही। भाई साहब नरसी की हवेली कहाँ है। उसके तो भाई हवेली पवेली कोई ना रही अब, वो तो भाई मंदिर में मिलेगा, इधर से चला जा सामने ही मंदिर है, वो तो मोड़ा बाबा बन रहा भाई, वहीं बाबा जी के बीच में मिलेगा। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। हे महाराज, आप में नरसी कौन है? मैं हूँ भाई नरसी। क्या बात है, कहाँ से आए हो? मैं मनसा सेठ के यहाँ से आया हूँ, और तुम्हारी देवती रामोबाई की शादी है। मैं बात की चिट्ठी लेके आया हूँ। शादी? हाँ। बात? हाँ सेठ जी, ये लो चिट्ठी लो सेठ जी, इसको पढ़ लो। और जो मेरे सेठ ने सामान लिखा है ना, वो चिट्ठी में मिलेगा आपको। जरा पढ़ कर तो देखो। क्या बात सेठ जी, आपका